मसाले वाली सब्जी आपने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन जो मैं आज सब्जी बनाने जा रही हूँ उसमें ना तो कोई मसाला है और ना आपका ये लहसुन प्याज, लेकिन मसाले वाली सब्जी का टक्कर जरूर देगी। एक तरह से बोला जाए तो सात्विक वाली सब्जी। सिर्फ आपको दो बातों का ख्याल रखना है। पहले इंट्रो, तो नमस्कार, मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी बिना मसालों वाली। अच्छा, दो बातों का आपका ख्याल रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें टमाटर देसी टमाटर चाहिए, कोई मार्केट का वो नहीं होता, वो वाला बड़ा बड़ा वाला नहीं चाहिए, छोटा मीडियम साइज जो आते हैं मार्केट में वो टमाटर चाहिए। दूसरा, आप किसी बटर या फिर घी, देसी घी से नहीं, सिर्फ सरसों का तेल में ही सब्जी बनाए, तब आपको असली टेस्ट मिलेगा। वरना आप घी से और बटर वटर से बना देंगे तो बन तो जाएगी लेकिन वो स्वाद नहीं होगा या नहीं पाएंगे आप। तो सरसों का तेल और देसी टमाटर से आप सब्जी बनाएं। तो चलिए बनाते हैं। मैं तीन आलू ली हूँ, तीन आलू तो तीन टमाटर, इसको हमें कट करना है। आलू कट गया है, अब इसको हम धुल लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल कढ़ाई गर्म होने के बाद। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हमें डालना है जैसे हम सब्जी में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जीरे को हमें थोड़ा सा भून लेना है चला के, फिर हमें डाल देना है, आपको तीखा अगर पसंद हो तो मिर्चा डाल देना, नहीं पसंद है कोई बात नहीं। हमें डालना है धनिया, खड़ी धनिया और मिर्चा, इसको हमें अच्छे से भूनना है। अब हमें इसमें डाल देना है आलू, धोई हुई आलू को हम इसमें डाल देंगे। आलू को हमें ढक के थोड़ा खोल के थोड़ा ढक के ऐसे में थोड़ा हमको इसको भूनना है अच्छे से। तो अभी के लिए हम इसको थोड़े टाइम के लिए ढक देते हैं। बिल्कुल जब तक आलू भून रही है तब तक हम काट लेते हैं टमाटर। टमाटर कट के तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी डाल के हमें थोड़ा सा इसको भूनना है आलू के साथ हल्दी को भी। फिर हमें डाल देना है टमाटर। टमाटर जैसे डालते हैं तो नमक जरूरी होता है, तो हम साथ में डाल देंगे नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, चलाएंगे और साथ में आलू और टमाटर को भूनेंगे। ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से पक के गल जाए। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर आलू सब बिल्कुल मिक्स हो गया है और गल भी गया है। आप चाहें तो इसमें इसको सूप भी खा सकते हैं, मैं तो पानी वाली बना रही हूँ और नीचे पानी डाल के रसा वाली बना रही हूँ। तो हम डालेंगे इसमें एक गिलास पानी। हमें बस इसे थोड़ा ही पकाना है क्योंकि ऑलरेडी ये सब्जी पकी हुई थी, सिर्फ हमें पानी को पकाना है। इसको हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। खोल के देखेंगे, वाह, सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती, हरी धनिया पत्ती। आप एक बार इसको अपने घर में बना के जरूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट में हमें बताइएगा कि कैसा है। आप एक बार ऐसी सब्जी अपने घर में जरूर बनाइए और मसाले वाली सब्जी का ग्रेवी चखिए और इसका रसा, इस सब्जी का जो मैंने जूस रखा है वो चखिए, तो किसी ग्रेवी से कम नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।